नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन ट्यूबर कुलिनम के बारे में बताऊंगा और उसके बारे में कुछ आपको जानकारी भी दूंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ट्यूबरकुलिनम एक नोसोड है। सबसे पहले बात करेंगे कि नोसोड क्या होता है। तो नोसोड ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो कि डिसीज प्रोडक्ट, मतलब बीमारी के प्रोडक्ट से, बीमारी के मटेरियल से, उसको मटेरियल को यूज़ किया जाता है, फिर उसको पोटेंटाइज किया जाता है, फिर पोटेंटाइज करके वो मेडिसिन बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ट्यूबरकुलिनम का ही ली जाए तो ट्यूबरकुलिनम टीबी, मतलब ट्यूबरकुलोसिस, मतलब पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में पस सेल होते हैं, जो बैसिलस सेल्स होते हैं उसमें से निकाल के पस सेल, उससे ट्यूबरकुलिनम मेडिसिन बनाई जाती है। पस सेल से बनाई जाती है ट्यूबरकुलिनम मेडिसिन, और यही है नोसोड। तो चलिए दोस्तों, ये ट्यूबरकुलिनम ट्यूबरकुलोसिस के पस सेल से, ट्यूबरकुलोसिस जहाँ भी होता है वहाँ पर पस सेल से निकाल के ट्यूबरकुलिनम मेडिसिन बनाई जाती है। फिर उसको पोटेंटाइज किया जाता है और फिर उसके बाद प्रूविंग की जाती है, फिर उसके सिम्टम्स लिखे जाते हैं, फिर उसके बाद बताया जाता है किस किस बीमारी में ये असर करती है। पहले बात करेंगे कि ट्यूबरकुलिनम असर कहाँ करती है, इसका एक्शन कहाँ है बॉडी में, उसके बाद बात करेंगे कि इसके साइन एंड सिम्टम्स, मतलब लक्षण क्या है, फिर उसके बाद बात करेंगे कि ये किस बीमारी में काम आती है, फिर उसके बाद बात करेंगे कि ये किस पोटेंसी में देना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि इसका एक्शन कहाँ पर होता है। तो दोस्तों, ट्यूबरकुलिनम सबसे पहला एक्शन करती है हमारे लंग्स में, और लंग्स में जाके वो टीबी, मतलब ट्यूबरकुलोसिस को ठीक करती है। दूसरा है, इसका एक्शन होता है किडनी में, और किडनी में जाके क्रॉनिक इन्फेक्शन अगर किडनी में हो तो उसको ठीक करती है। तीसरा एक्शन है इसका स्किन में, तो स्किन में छोटे छोटे जो बॉयल्स हो जाते हैं उसमें, जो जो छोटे छोटे हमारे इरप्शंस हो जाते हैं, जो फोड़ा फुंसी हो जाते हैं, तो उसको ये ठीक करती है। और नाक में भी असर करती है, नोज़ में असर करती है, और बहुत ज़्यादा रनिंग नोज़ रहे तो वो भी ठीक करती है। दोस्तों, इसका एक्शन ये होता है। अब चलते हैं साइन एंड सिम्टम्स, मतलब लक्षण की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट कैसा दिखेगा। तो ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट गोरा होगा और लंबा होगा, और साथ में उसके जो चेस्ट है वो थोड़ा सा नैरो होगा। तो आप लोगों ने देखा होगा, एक होता है कि सीना जिसका बहुत चौड़ा होता है, और एक होता है जो सीना बहुत ज़्यादा छोटा या पतला होता है। तो बहुत ही पतला उसका सीना होगा, नैरो चेस्ट होगा, लंबा होगा, गोरा होगा, और मेंटली जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा और बहुत ही एक्टिव होगा, लेकिन फिजिकली एक्टिव नहीं होगा, फिजिकली डल होगा। तो ऐसे पेशेंट को ट्यूबरकुलिनम बहुत ही अच्छे से असर करती है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आए या आप खुद ऐसे पेशेंट हो तो मेरा वीडियो देखते रहिए। और दोस्तों, दूसरा लक्षण ये है ट्यूबरकुलिनम का कि अगर कोई आपने, फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट आया आपके पास और आपने उसको मेडिसिन, बहुत ही अच्छी मेडिसिन दी और आपको लग रहा है कि वो मेडिसिन से वो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो पेशेंट ठीक नहीं हुआ, या वो कुछ हद तक ठीक होके वहाँ पर वो फिर बाद में पूरी तरीके से क्योर नहीं हुआ, तो ट्यूबरकुलिनम बहुत ही इफ़ेक्टिव रहती है। तो ऐसी जगह जहाँ पर वेल सेलेक्टेड मेडिसिन जो है वो असर ना करे या असर कम करे, तो ट्यूबरकुलिनम मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है दोस्तों। और दोस्तों, ऐसे पेशेंट जिनकी फैमिली हिस्ट्री में ट्यूबरकुलोसिस हो, मतलब ऐसे पेशेंट जिनके आपके, फॉर एग्जांपल, आपके मम्मी को या आपके पापा को या आपके बब्बा दादी को अगर ट्यूबरकुलोसिस है और आपको नहीं है लेकिन आपको कुछ और बीमारी है, तो आपको ट्यूबरकुलिनम बहुत ही अच्छा असर करेगी। और आपको ऐसी बीमारी है कि आप दवा ले लेके ठीक थक गए, फॉर एग्जांपल आपको एक्जिमा ही है और आपके मम्मी पापा को पहले ट्यूबरकुलोसिस हो चुका है और आपको एक्जिमा है, आप एक्जिमा के लिए मेडिसिन बहुत सारी आर्सेनिक वगैरह लेके आप थक गए, ठीक नहीं हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में ट्यूबरकुलिनम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। दोस्तों, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लक्षण है ट्यूबरकुलिनम का कि ट्यूबरकुलिनम के पेशेंट के सिम्टम्स हमेशा चेंज होते रहते हैं और एलिमेंट्स भी चेंज होते रहते हैं और सिस्टम भी चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर उसको लंग्स में प्रॉब्लम है, कुछ दिन बाद उसको हार्ट में प्रॉब्लम हो जाएगी, लंग्स की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद उसको पेट में दर्द होने लगेगा, कुछ दिन बाद उसको कहीं और होने लगेगा, कुछ दिन बाद कहीं और होने लगेगा। तो जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, वो हमेशा ट्यूबरकुलिनम के चेंज होते रहते हैं। और ये सबसे बड़ा लक्षण है ट्यूबरकुलिनम का कि अगर आपके सिम्टम्स जो हैं वो हमेशा चेंज होते रहें, जो लक्षण हैं आपको समझ में ना आए कि क्या हो रहा है, ये लक्षण से फिर वो लक्षण, फिर वो लक्षण से फिर ये लक्षण, कभी पेट में दर्द, कभी सीने में दर्द, कभी कहीं दर्द, कभी कहीं दर्द, कभी खांसी, फिर कभी बुखार, ये सब चीज़ें, अगर सिम्टम्स हमेशा चेंज होते रहें तो ट्यूबरकुलिनम से अच्छी मेडिसिन कोई भी नहीं है दोस्तों। ट्यूबरकुलिनम के लक्षण जो है वो एकदम से आते हैं और एकदम से चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप सुबह तक ठीक है
और उसके बाद एकदम से आपको अस्थमा का अटैक आया और 2 मिनट में वापस से अस्थमा अटैक ठीक हो गया और आपका अस्थमा आराम लग गया आपको, तो ऐसे कंडीशन में ट्यूबरक्लिनम बहुत इफेक्टिव है। एक और एग्जांपल बताता हूँ कि आपको सर्दी खांसी एकदम से नहीं है और एकदम से सुबह सुबह आप उठे, 2-4 बार छींक एकदम से आई और उसके एक बाद एकदम से छींकें बंद हो गई, तो ऐसे अगर आपको सिम्टम्स होते हैं जो कि एकदम से आते हैं और एकदम से ठीक हो जाते हैं, तो उसके लिए ट्यूबरक्लिनम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है ट्यूबरक्लिनम का कि बहुत ही जल्दी उसको कोल्ड हो जाता है, मतलब बाहर गया और हवा लगी ठंडी और उसके बाद छींकें आना शुरू, उसके बाद सर्दी शुरू, उसके बाद नाक बहना शुरू, उसके बाद खांसी शुरू, उसके बाद शरीर में दर्द शुरू। तो जैसे ही उसने ठंडा पानी पिया उसके बाद सब कुछ शुरू। तो अगर आपको ठंडी से दिक्कत है, आप चिली पेशेंट हैं, आप कोल्ड पेशेंट हैं, तो ट्यूबरक्लिनम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। ट्यूबरक्लिनम का पेशेंट जैसे मैंने बताया कि हमेशा पतला दुबला रहता है और पतला होते ही जाता है, मतलब हमेशा पतला होते ही जाता है। अगर आप ऐसा आपको हो कि हमेशा आप पतला होते ही जा रहे हैं, जैसे टीबी में होता है कि टीबी का पेशेंट हमेशा पतला होता ही जाता है, तो वैसे ही ट्यूबरक्लिनम का पेशेंट हमेशा पतला होते ही जाता है और खाना खूब खाता है, भूख खूब लगती है, लेकिन फिर भी वो मोटा नहीं होता, पतला होता ही जाता है। तो अगर आप ऐसे पेशेंट हैं और बाकी सिम्टम्स भी कुछ कुछ मिलते हैं तो आप ट्यूबरक्लिनम ले सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं सिर मतलब हेड की तरफ। तो हेड में ट्यूबरक्लिनम के पेशेंट को बहुत ज़्यादा हेडेक मतलब सिर दर्द होगा और इतना ज़्यादा सिर दर्द होगा कि उसको सब लगने लगेगा कि सब अनजाने अनजाने से हैं। इतना ज़्यादा सिर दर्द, बहुत ही ज़्यादा शार्प, बहुत ही ज़्यादा स्टेबिंग, मतलब एकदम से ऐसा लगेगा कोई हथौड़े जैसा मार रहा हो, और बहुत ही तेज सिर दर्द। और उसके साथ अगर आपको ऐसा लगने लगे कि कुछ नहीं है दुनिया में, सब अनजाने हैं, तो ट्यूबरक्लिनम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और दोस्तों अगर आपको रात को सोते समय भ्रम एकदम से हो और उसके बाद आप उठ जाते हो, आपको अच्छे से नींद नहीं आती हो, कुछ भी भ्रम, जैसे आपको कुछ अजीब सा दिख जाए या जैसे आपको कुछ अलग सा दिख जाए, अलग सा सुनाई दे, कुछ भी आपको अगर भ्रम हो उसके साथ आप एकदम से उठ जाते हो और डर जाते हो, भयभीत हो जाते हो, तो ट्यूबरक्लिनम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये इसका मेंटल मतलब मानसिक लक्षण है। और दोस्तों अब चलते हैं स्किन की तरफ, मतलब त्वचा कैसी रहेगी ट्यूबरक्लिनम की। तो ट्यूबरक्लिनम के पेशेंट के हमेशा बॉयल्स मतलब छोटे छोटे इरप्शंस मतलब छोटे छोटे फोड़ा फुंसी होते रहेंगे और वो ठीक नहीं होते हैं। मतलब आप हिपर सल्फ दे दीजिए या आर्सेनिक दे दीजिए या कुछ भी ऐसी मेडिसिन दे दीजिए, तो अगर फोड़े फुंसी ठीक ना हो तो ट्यूबरक्लिनम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और लगातार फोड़े फुंसी होते रहें तो ट्यूबरक्लिनम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और ऐसे केसेस में जैसे मैं फॉर एग्जांपल कभी कभी ऐसा होता है कि मैं दवा दे दे के थक जाता हूँ, तो उस कंडीशन में मैं ट्यूबरक्लिनम देना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और देता ही देता हूँ। तो अगर आप दवा दे के थक जाएँ खासकर स्किन के केसेस में, तो ट्यूबरक्लिनम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। थकने का मतलब है कि पेशेंट ठीक ही ना हो, तो ट्यूबरक्लिनम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। और एक्जिमा के केस में अगर पेशेंट को फैमिली हिस्ट्री जो है उसके मम्मी पापा को ट्यूबरक्लोसिस है, जो मैंने आप पहले ही बता चुका हूँ, तो उस कंडीशन में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ट्यूबरक्लिनम, खासकर एक्जिमा जो ठीक नहीं होता, तो उस कंडीशन में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ट्यूबरक्लिनम दोस्तों। एक लक्षण है ट्यूबरक्लिनम का ईयर का, कान का, अगर कान से मावाद बहे और मावाद बहुत ज़्यादा बदबूदार हो और साथ में कान का पर्दा फट गया हो, तो कान के पर्दे को ठीक करने के लिए ट्यूबरक्लिनम से अच्छी मेडिसिन कोई नहीं है। तो अगर आपके कान का पर्दा फट गया हो और आपका मावाद अगर हल्का बदबूदार हो या काफ़ी बदबूदार हो और पीला हो और हल्का सा ग्रीन हो, तो ट्यूबरक्लिनम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो अगर आपके कान के पर्दे फट गए हों और डॉक्टर बोला हो कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो एक बार आप देखें कि आपका मावाद अगर पीला है और बहुत ज़्यादा बदबूदार है, तो ट्यूबरक्लिनम मेडिसिन ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम फीमेल्स की बात करते हैं। तो फीमेल्स में अगर मेंसेस के पहले बहुत ज़्यादा दर्द हो, बहुत ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा कि फीमेल्स मेंसेस से पहले डरने लगे, मेंसेस आने से उनको डर लगने लगे कि इतना तेज दर्द, डिसमेनोरिया जिसको बोलते हैं, तो मेंसेस से पहले जो मासिक धर्म जो ब्लीडिंग होती है उससे पहले अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो, तो ट्यूबरक्लिनम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। मेंसेस बहुत जल्दी आए मतलब टाइम से जल्दी आए, बहुत ज़्यादा हो और बहुत लंबे समय तक चले, तो ट्यूबरक्लिनम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो दोस्तों ये है साइन एंड सिम्टम्स मतलब लक्षण ट्यूबरक्लिनम के। अब चलते हैं कि ट्यूबरक्लिनम किस किस बीमारी में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, साथ ही साथ मैं पोटेंसी भी बताते चलूंगा। तो सबसे पहले सिर से चालू करते हैं। सिर में हेडेक होता है, सरदर्द होता है, तो ट्यूबरक्लिनम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इस कंडीशन में आपको ट्यूबरक्लिनम 1 ml लेना चाहिए। मैं यहाँ पर पिक्चर लगा दूंगा तो आप देख लीजिएगा।
और 1 mg पोटेंसी में आपको एक बार लेना है 15 दिन में, सिर्फ एक बार। आप 2 महीने तक लेंगे, मतलब 4 बार अगर ट्यूबरक्लिनम 1 mg ले लेंगे तो आपका हेडेक ठीक हो जाएगा अगर आपके लक्षण ट्यूबरक्लिनम से मिलते हैं। अब हेडेक से नीचे आते हैं नाक की तरफ, तो नाक अगर आपकी बहुत ज़्यादा बहती है और बहुत ज़्यादा कोराइज़ा है, बहुत ज़्यादा सर्दी है आपको, तो ट्यूबरक्लिनम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, आप ले सकते हैं। और अगर खासकर अगर आपके मम्मी पापा को मतलब ट्यूबरक्लोसिस के पहले कभी ट्यूबरक्लोसिस हुआ हो, या अगर आप बाहर जाते हो आपको कोल्ड से ठंडी से बहुत जल्दी सर्दी हो जाती हो, जैसे बाहर गए हवा लगा ठंड, या आप ठंडा पानी पी लिए तो एकदम से सर्दी हो जाए, तो इस कंडीशन में बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है ट्यूबरक्लिनम। आप ट्यूबरक्लिनम को 1 mg पोटेंसी में 2 बूंद 15 दिन में एक बार लें, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आपको सर्दी या फिर आपको छींके वगैरह आती हैं तो। अब चलते हैं आगे खांसी की तरफ। तो अगर आपको लंबे समय तक खांसी है, बहुत जैसे 15 दिन या 20 दिन या 2 महीने या 2 साल से लगातार खांसी है, खासकर ट्यूबरक्लोसिस के केस में, खासकर ब्रोंकाइटिस के केस में, खासकर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के केस में, तो ये सब बीमारी हैं, खांसी इसमें आती है लंबे समय तक, तो इस कंडीशन में ट्यूबरक्लिनम बहुत ही इफेक्टिव है। और खासकर वो जो सिम्टम मिले, खासकर वो वाला सिम्टम जिसमें ठंड से दिक्कत होती है, तो अगर आपको ठंड से दिक्कत हो तो आप ट्यूबरक्लिनम खांसी के कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। और खांसी में वही पोटेंसी आपको 1 mg पोटेंसी यूज़ करना है ट्यूबरक्लिनम की 15 दिन में एक बार, बाकी आप खांसी की मेडिसिन जस्टिशिया मदर टिंचर बाकी वगैरह और भी लें तो और अच्छा रहेगा। 1 mg पोटेंसी में ट्यूबरक्लिनम लें 2 बूंद 15 दिन में एक बार खांसी के कंडीशन। चलते हैं कान की तरफ कि आपको अगर कान बहता है और आपका कान के पर्दा फटा हुआ है तो किस पोटेंसी में लेना चाहिए, तो ट्यूबरक्लिनम इस बार आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करना है। 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह सुबह लगातार आपको 15 दिन से लेकर 1 महीने तक यूज़ करना है। अगर आपके लक्षण कम होते जाते हैं तो लगातार आपको इस पोटेंसी को कम से कम 2 महीने तक यूज़ करें और आपके कान का पर्दा भी ठीक हो जाएगा, साथ ही साथ आपका जो बह रहा है कान वो भी ठीक हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप बहुत ज़्यादा पतले दुबले हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्यों पतले हैं, हमेशा पतले रहते हैं, तो ट्यूबरक्लिनम 1 mg पोटेंसी में आप महीने में एक बार आप 2 बूंद लें, लगातार आप 1 साल तक लें, आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप मोटे होते जा रहे हैं। साथ में अल्फ़ा माल्ट भी लें, साथ में अल्फ़ा टॉनिक भी लें, लेकिन ट्यूबरक्लिनम 1 mg पोटेंसी में महीने में एक बार लेंगे तो आपको मोटापन आएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आएगा। और दोस्तों अगर आप फीमेल हैं और आपको डिसमेनोरिया मतलब मेंसेस के दौरान अगर दर्द होता है बहुत ज़्यादा, तो आप ट्यूबरक्लिनम 30 पोटेंसी में लें और सिर्फ 2 बूंद डायरेक्ट टंग में एक बार लें हर 2 दिन में, मतलब आज लें, कल नहीं लें, फिर परसों लें, ऐसे करके आप लें। और जब आपके मेंसेस आने चालू होने से पहले 2 दिन पहले ट्यूबरक्लिनम बंद कर दें और 2 दिन बाद तक मतलब 8-9 दिन का गैप रखें, उसके बाद फिर वो चालू कर दें ट्यूबरक्लिनम। ऐसा करके आप 6 महीने तक लेंगे तो आपको डिसमेनोरिया के केस, जो डिसमेनोरिया की प्रॉब्लम है, जो आपको मेंसेस के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उससे आपको पूरी तरीके से निजात मिल जाएगी और पूरी तरीके से वो चीज़ ठीक हो जाएगी। दोस्तों लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ट्यूबरक्लिनम की, अगर कोई पेशेंट ठीक नहीं होता हो किसी भी बीमारी का और खासकर उसको कुछ ना कुछ ट्यूबरक्लिनम के सिम्टम्स मतलब लक्षण मिलते हों और उसके साथ साथ वो बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, आप डॉक्टर हैं, मैं डॉक्टर हूँ, तो मैंने दवा दे दे के थक गया हूँ और वो पेशेंट बार बार आके भी वो थक गया है, और ऐसे इस कंडीशन में ट्यूबरक्लिनम बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है और मैं ये रेगुलरली प्रैक्टिस करता हूँ ऐसे पेशेंट्स को, जो पेशेंट ठीक नहीं होते हैं, तो उनको अगर आप ट्यूबरक्लिनम 1 mg पोटेंसी में सिर्फ एक बार दे दें और उस दिन जो आप दवा, फॉर एग्जांपल अगर आप गैस के लिए नक्स भूमिका, रोबीनिया या आप बिस्मित चला रहे हैं और गैस ठीक नहीं हो रही है, तो आप उस कंडीशन में ट्यूबरक्लिनम 1 mg पोटेंसी में, जैसे आज तक चलाया, आज पेशेंट आया, तो उसको वहाँ बोलिए कि वो दवा अभी बंद करे, ट्यूबरक्लिनम को आप 2 बूंद डायरेक्ट उसको क्लिनिक में ही दे दें और उसके बाद बोलिए कि 3 से 4 दिन तक कोई दवा ना ले और उसके बाद फिर से वही दवा चालू करे, तो फिर से जब वो वही दवा चालू करेगा तो वो दवा बहुत ही अच्छे तरीके से असर करेगी और वो प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। और लास्ट में मैं ये बताना चाहता हूँ कि ट्यूबरक्लिनम को कभी 6 पोटेंसी में ना दें या लोअर पोटेंसी में ना दें, क्योंकि उससे दिक्कत हो सकती है। तो ट्यूबरक्लिनम को हमेशा हायर पोटेंसी में, 200 पोटेंसी में, किसी किसी कंडीशन में 30 पोटेंसी में, नहीं तो 200 या 1 mg पोटेंसी में आप दें, तो ट्यूबरक्लिनम बहुत ही अच्छा असर करती है।
फिबरक्लिनम को ज़्यादा ना दें, किसी किसी कंडीशन में देना पड़ता है। हालांकि मैंने जो बताया है उसमें बहुत कम कंडीशन है जहां पर आपको लगातार देना है, नहीं तो आप 15 दिन में या एक महीने में फिबरक्लिनम दें, बहुत ही अच्छा असर करती है फिबरक्लिनम। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन दिया गया है तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा, और यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है तो उसको भी दबा दीजिए। और आपको ऐसे ही होम्योपैथिक रिलेटेड नॉलेजेबल, और अगर आपको किसी तरह की बीमारी है तो मेरे चैनल में आके बीमारी के बारे में भी जान सकते हैं और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी जान सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कमेंट करना बिल्कुल भूलिएगा, अगर आपको फिबरक्लिनम से रिलेटेड कुछ बातें पूछनी है या कुछ मुझसे छूट गया है तो आप मुझे बताइए, और कुछ बातें पूछनी है तो आप मुझसे पूछिए तो मैं आंसर दूंगा कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।